नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग बढ़िया। अनुच्छेद 370 की समाप्त पर बोले उपेंद्र तिवारी मंत्री। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में जीरा बस्ती नया भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 धारा 35 ए की समाप्त पर बैंक मैं सबको बधाई देता हूँ। पाकिस्तान द्वारा उस समय जवाहरलाल नेहरू उसमें पंडित नेहरू की भूल से उनकी गलती से ऐतिहासिक गलती उन्होंने किया कि जब कबीलाई सेना ने कश्मीर आजाद सेना ने जब 20 अक्टूबर 1947 को हमला किया और महाराजा हरि सिंह जब भारत की सेना से सहायता मांगे तो जहां पर वो हमारी सेना जब गई और हमारी सेना जा करके उन कबायलियों को खदेड़ते हुए जा रही थी उसी बीच में जवाहरलाल नेहरू इस विषय को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए और वहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल को ही मान लिया गया जबकि हमारी सेना जो हमारा नक्शा था वहां तक उनके बाढ़ तक पहुंचा आते हैं और उसी भूल की वजह से उतना क्षेत्र लगभग 40% जो आज कश्मीर का नक्शा हम लोग देखते हैं जो बनाते हैं वो पूरा आज हमारे कब्जे में नहीं है। उसका 60% हिस्सा हमारे ही जिम्मे में है। 30% पाक अधिकृत कश्मीर है जिसको उन्होंने दो हिस्सों में बांटा है, एक पाक ऑक्युपाई कश्मीर जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, दूसरा गिलगित और बलूचिस्तान का। शेष 1962 में जो लड़ाई हुई उसके बाद 10% हिस्सा चीन ने ले लिया उन लोगों से जिसको अक्साई चीन कहते हैं, लेकिन वो पूरा जो हम मैप अपना बनाते हैं जो मुकुट हमारा है उसको लेने के लिए हमारे गृहमंत्री ने भी कहा है और पंडित नेहरू की भूल का सुधार 370 पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला के दिल्ली एग्रीमेंट के तहत लागू हुआ था 17 नवंबर 1950 और आगे चल के 54 में राष्ट्रपति के आदेश से 35A लागू हुआ था। उन दोनों भूलों का हमारी सरकार ने सुधार किया है, राष्ट्रवादी सरकार है। हम अपनी सीमाओं को जहाँ तक हमारी सीमाएं थी वहाँ तक हम ले जाने के प्रयास में और निश्चित रूप से इस काम में हम सफल होंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, आतंकवादी गतिविधियाँ जैसे चल रही थी, जो कसाब मुंबई हमले में पकड़ा गया था उसकी भी ट्रेनिंग जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है उसके मुजफ्फराबाद में ही हुई थी, तो वह जब हमारा पूरा हिस्सा हमारे कब्जे में आ जाएगा और आज भी घुसपैठ कराने के लिए जो पत्थरबाजों को और वहाँ पर 370 लागू होने के चलते अगर कोई तिरंगा जलाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हम नहीं कर पाते थे क्योंकि 370 के एग्रीमेंट में है, उनके खिलाफ आप देश विरोधी मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते हैं। अगर भारत के तिरंगे को जलाते हैं, भारत के किसी भी सम्मानित प्रतीक चिन्ह के खिलाफ कोई काम करते हैं तो आप उनके खिलाफ काम नहीं कर पाते हैं। अगर कोई लड़की पाकिस्तानी से शादी कर ली तो उस पाकिस्तानी को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी, तो इसलिए अनेक आतंकवादी भी वहाँ के नागरिक बन जाते थे। अगर कोई लड़की यूपी के लड़के से शादी करे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर कोई कश्मीर में रह रहा है, चला गया 4 साल पाकिस्तान रह के फिर आया तो फिर वहाँ का नागरिक हो जाता था। जबकि यह है कि आप जब भारत की नागरिकता छोड़ देंगे तो फिर एक लंबी प्रक्रिया है वापस आने के लिए, लेकिन वहाँ यही सब सारी चीज़ें हो रही जिस वजह से आतंकवाद के खात्मा के लिए ये बहुत आवश्यक था जिसको हमारे माननीय गृहमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसके लिए हम सभी उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। मंत्री माननीय अमित शाह जी को हम ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने में जो अभी माननीय सांसद जी ने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को लेकर के कि एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा, जिसको लेकर के वो पश्चिम बंगाल से आंदोलन की शुरुआत उन्होंने किया और जम्मू कश्मीर में जाते जाते गिरफ्तारी उनकी हुई, जेल के अंदर बंद किया गया और वहीं पर उनकी हत्या, तो ये एक उनका सपना। और तब से जब से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के ये संकल्प पत्र में रहा है, मैनिफेस्टो में रहा है कि हम धारा 370 को ख़त्म करेंगे और वह आते आते ये 5 तारीख का दिन ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के लिए ये शुभ रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके साहस के धारा 370 को उन्होंने हटाया और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर और लेह और लद्दाख उसको केंद्र शासित राज्य भी बनाया और अब हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के बराबर आज जम्मू कश्मीर भी हो गया। और जिस तरीके से भारत सरकार की पूरी योजनाएं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाती थी जिसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को नहीं मिल पाता, अब वह सारी केंद्र सरकार की योजना का लाभ
वहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मिलेगा, यह हम सब प्रसन्नता की बात है। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान रहेगा, अब आप जम्मू कश्मीर में भी एक ही झंडा तिरंगा फहरेगा, तो यह हम भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की जनता के लिए हम लोगों का शुभद क्षण है। और इसके लिए देश के सशक्त प्रधानमंत्री और माननीय गृहमंत्री जी का हम लोग हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के आवाम को, बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा मिलेगी। आज तक वहाँ पे SC/ST का आरक्षण लागू नहीं था, वहाँ पे OBC का आरक्षण लागू नहीं था, वहाँ 10% जो आरक्षण से वंचित लोग थे यह आरक्षण नहीं था। अब इन सभी आरक्षणों का, यानी जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, और जो सब ये सारे अवसर का लाभ अब जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगी, और वहाँ के नौजवानों को पढ़ने के लिए विद्यालय भी मिलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिलेंगे, MBBS बनने के लिए मेडिकल कॉलेज भी मिलेंगे, और पूरे देश और दुनिया से उद्योग जम्मू कश्मीर में जाएंगे। और जैसा कि आपने देखा कि संसद भवन के अंदर माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का मुकुट है, वो मणि है, तो निश्चित रूप से वो एक पहाड़ी क्षेत्र है और उसको एक पर्यटक की दृष्टि से हिंदुस्तान का एक मुकुट बनाया जाएगा, जहाँ पे पूरे विदेश देश और दुनिया से पर्यटक आएंगे और वहाँ का लाभ लेके जाएंगे, जिससे पर्यटक के माध्यम से भी जम्मू कश्मीर का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे उद्योग जाएंगे और एक शांति माहौल और एक शांति वातावरण का भी माहौल वहाँ पे कायम होगा। आतंकवाद की गतिविधियों को भी विराम लगेगा। आप देख सकते हैं कि 5 तारीख को ही धारा 370 लागू हुआ, लेकिन आज तक एक भी छिटपुट घटना जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर नहीं हुआ। ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, शांति वातावरण है, बकरीद भी खुशहाली के साथ मनाई जा रही है, जुमा भी पढ़ा जा रहा है, और मोदी जी ने जो नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस नारे के साथ पूरे हिंदुस्तान के आवाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हर जात धर्म मजहब के लोगों के लिए विकास के लिए धारा में भी उनको जोड़ने का काम किए हैं। आज इन्हीं सब चीज़ों के लिए प्रदेश नेतृत्व के द्वारा प्रेस कार्य